नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों स्वागत है आप सभी का कृषि हब यूट्यूब चैनल में तो किसान भाइयों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं कि बकरी पालन कैसे करते हैं और बकरी पालन पे जो आपको लोन मिलती है सब्सिडी मिलती है वो कैसे प्राप्त करते हैं तो ए टू जेड पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ वीडियो पर बने रहिएगा पूरा लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ठीक है तो आपको अभी करना क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखना है क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ही जानकारी अपने चैनल पे देता रहूँगा आपको और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि बकरी पालन लोन सब्सिडी क्या है लोन व सब्सिडी कैसे प्राप्त करते हैं तो बकरी पालन लोन सब्सिडी जो है देश के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के बाद दूसरा व्यवसाय जो आपका है बकरी पालन है ठीक है बकरी पालन करके अच्छी खासी आमदनी की जा सकती है ग्रामीण क्षेत्र में बकरी पालन एक विशेष महत्वपूर्ण व्यवसाय बन चुका है आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि बकरी पालन कैसे चालू किया जा सकता है बकरी पालन के लिए आप सरकार से लोन सब्सिडी कैसे ले सकते हैं तो मेरे प्यारे किसान भाइयों अगर आप लोग बकरी पालन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो बकरी पालन नहीं करना चाहते हैं वो वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं सो मेरे सो मेरे प्यारे किसान भाइयों बकरी पालन के लिए केंद्र व राज्य सरकारें अलग अलग स्कीम चलाती रहती हैं आप सभी को पता होगा इसके तहत आप लोन और सब्सिडी के लिए आवेदन करके इसका सीधा लाभ उठा सकते हैं केंद्र सरकार नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत लोन सब्सिडी प्रोवाइड करती है वहीं राज्य सरकारें भी अपने यहाँ अलग अलग नाम से स्कीम चलाती रहती हैं केंद्र सरकार बकरी भेड़िया पशुपालन के लिए जो सब्सिडी देती है उसमें राज्य सरकारें कुछ सब्सिडी और जोड़कर किसानों को लाभ दिया जाता है बकरी पालन एवं भेड़ पालन के लिए क्या योजनाएँ हैं तो आपको मैं बता दूं उत्तर प्रदेश राज्य में नेशनल स्टॉक लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रूरल बैकयार्ड बकरी या भेड़ पालन योजना चल रही है ठीक है जिसके तहत इच्छुक लाभार्थियों का चयन किया जाता है इस योजना में लाभार्थी दस बकरी एवं एक बकरा अर्थात दस भेड़ एवं एक भेड़ा उपलब्ध कराया जाता है अर्थात इच्छुक व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत दस बकरी एवं एक बकरा या दस भेड़ या एक भेड़ा ले सकते हैं सो मेरे प्यारे किसान भाइयों बात करते हैं कि बकरी पालन लोन सब्सिडी आप कैसे लेंगे ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस योजना के तहत लाभार्थियों को एक इकाई यानी कि दस बकरी एवं एक बकरा अर्थात दस भेड़ एवं एक भेड़ा पर लागत का मात्र दस प्रतिशत अंश ही देना पड़ेगा यानी कि आपको नब्बे परसेंट सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी दस परसेंट ही आपको देना पड़ेगा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के अनुसार इस योजना की कुल लागत छाछठ हज़ार रुपये हैं इसमें से लाभार्थी का चयन होने पर उसे मात्र 10 परसेंट अंश अर्थात छाछठ सौ रुपये ही देने होंगे शेष जो भी राशि है वो लाभार्थी के खाते में बैंक खाते में सीधा दे दी जाएगी केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा आगे बात कर लेते हैं कि बकरी पालन योजना में अनुदान हेतु जो आवेदन कैसे आप लोग करेंगे तो यदि आप बकरी पालन करना चाहते हैं और योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बकरी पालन लोन सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थना पत्र विकास खंड स्तरीय पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जमा करना होगा लाभार्थी का प्रारंभिक चयन स्थानीय समिति द्वारा किया जाता है इसके उपरांत अंतिम चयन जिला स्त्री पशुधन मिशन समिति के तहत किया जाएगा यदि आप बकरी पालन लोन सब्सिडी योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको सरकारी पशु चिकित्सालय विकास खंड पशु चिकित्सालय अधिकारी अथवा जिला पशुपालन विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं सो so, मेरे प्यारे किसान भाइयों आप सभी का बहुत ही ज़्यादा सवाल जवाब होता है ठीक है और आगे मैं बताऊंगा कि लोन आपको कहाँ से मिलेगा बकरी पालन के लिए तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरे से खाली नहीं होती है ठीक है तो बात कर लेते हैं कि जो लोन है वो कहाँ से लें ठीक है तो पहला है कि बकरी पालन के लिए नाबार्ड लोन मिलता है ठीक है और कॉमर्शियल बैंक से भी ले सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से भी मिल जाएगा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो होते हैं वहाँ से मिल जाएगा राज्य सहकारी बैंक से मिल जाएंगे और शहरी बैंक से भी लोन पास हो जाएगा वहाँ से आपको सब्सिडी मिल जाएगी नेक्स्ट है कि बकरी पालन में कितना लोन मिलता है आप सभी किसान भाइयों का बहुत ही ज़्यादा सवाल होगा ठीक है तो आवेदक अधिकतम बीस हजार रुपये की ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक बीस बकरी तथा एक बकरा पालन के लिए आवेदन से पहले अड़तालीस हज़ार रुपये बैंक में तथा अट्ठारह सौ वर्ग फीट का क्षेत्र क्षेत्रफल होना चाहिए यानी कि आपका एरिया होना चाहिए जो भी जहां पे भी आप लोग बकरी पालन करेंगे यदि लीज पर आप लोगों ने जमीन ली है तो उसका इकरारनामा होना बहुत ही अति आवश्यक है आवेदक अधिकतम बीस हजार रुपए के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं सो so, किसान भाइयों अब बता दें कि बकरी पालन कैसे खोलें आप सभी को ये पता होना चाहिए कि बकरी पालन कैसे खोला जाता है तो बकरी पालन शुरू कर रहे उच्च नस्ल की बकरियों का पहले आपको चयन करना होगा स्टाल फीडिंग के लिए बरबरी बकरी पालें और अगर चराई के लिए रखना है तो सिरोही बकरी का चयन करें अगर किसान बकरी पालन शुरू कर रहे हैं तो प्रशिक्षण जरूर लें ताकि पशुपालकों को पूरी जानकारी रहे और घाटा ना हो किसान भाइयों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में घंटे को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बकरी पालन कैसे खोलें और कौन सी बकरी आपको रखनी है और किस नस्ल की बकरी आपको रखनी है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सके और आपको इससे कैसे फायदा मिल सकेगा ठीक है और आपको कितना खर्च आ जाएगा बकरी पालन करने के लिए और सबसे अच्छी नस्ल की बकरी का चयन आप लोग कैसे कर सकते हैं तो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे रेड कलर का बटन होगा उस पर क्लिक कीजिए और बगल में घंटे को प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट करके रख लीजिएगा और आपको यह भी मैं बताऊँगा कि कितने प्रकार की बकरियों का नस्ल होता है ठीक है यानी कि आप बोल सकते हो ए टू जेड पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है सो किसान भाई उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोगों के पास आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप सभी के लिए हम ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहते हैं तो चलिए किसान भाइयों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम जय जवान जय किसान